आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इस पार्ट को कवर करेंगे। अब देखिए ज्योग्राफी में दो पार्ट है, पेपर है पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में अपना पहला पेपर है फिजिकल, दूसरा है ह्यूमन, ये है अपना पेपर टू में अपना इंडियन। तो हम लोग इंडियन तो देख लिए, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का बुक देखे, फिर अपना क्लाइमेटोलॉजी का देखे बुक देख लिए अलग से, ओशनोग्राफी का भी बुक देखे, फिर बायो ज्योग्राफी का भी बुक देखे और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का भी बुक देखे। इधर इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग बुक देख लिए, आज देखेंगे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में टोटल 5 टॉपिक है। पहला है अपना पर्सपेक्टिव, दूसरा है इकोनॉमिक, ठीक, तीसरा है अपना पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ठीक, चौथा है अपना रीजनल प्लानिंग, पांचवा है अपना ये हो गया आपका मॉडल्स, ठीक। तो ये पर्सपेक्टिव के लिए बुक है, तीन बुक है वैसे मार्केट में। एक तो बुक है अपना माजिद हुसैन सर के द्वारा, एक है सुदीप्ता अधिकारी मैम के द्वारा और एक आर डी दीक्षित सर हैं उनका। तो मेरे पास ये दो बुक नहीं था, ये बुक है, हम इसी बुक से पढ़े। और ये जो सुदीप्ता अधिकारी और आर डी दीक्षित, सुदीप्ता अधिकारी मैम और आर डी दीक्षित सर, ये जो दोनों बुक है ना, इसका तो पीडीएफ था, वो हम देखे भी, इसका उतना खास पीडीएफ मिला नहीं हमको। लेकिन जो बुक जिस जिस टॉपिक जो टॉपिक हमको इस बुक में समझ में नहीं आया वो हमको इस बुक में भी समझ में नहीं आया, इसके पीडीएफ में भी समझ में नहीं आया। तो बस इस बुक का हम रिव्यू करेंगे आपको। फिर ये अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके लिए भी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी बुक करके माजिद हुसैन सर के द्वारा ही लिखा गया है। फिर है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये भी उसी बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में ही। ये है रीजनल ज्योग्राफी, ये है रूपा मेड सिंपल, ये है मॉडल्स एंड थ्योरी, इसके लिए भी दो बुक है, एक है अपना ये माजिद हुसैन सर के द्वारा ही और फिर एक अपना के सिद्धार्थ के सर के द्वारा। तो एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है 2, 3, 4, ठीक, इसके लिए एक रूपा मेड सिंपल जो हम बोल रहे थे अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे हम देखेंगे इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है आगे में वीडियो बुक। सब ये बुक है आपका, फिर ये बुक है, फिर ये बुक है, फिर ये बुक है, ये बुक है और ये बुक है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक है। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस। पहला टॉपिक क्या है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीसरा आपका पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, फिर है आपका रीजनल प्लानिंग एंड मॉडल्स। तो ये पार्ट है पढ़ा, पहला पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर ये टॉपिक समझ लिया जाता है ना तो फिर ये सब इजी है। देखिए मोटा बुक है, काफ़ी मोटा बुक है, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें से, लगभग 134 पेज इसमें लगभग कितना, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ के बाद ही पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ना है, उसमें भी लास्ट में थोड़ा सा जो ह्यूमनिस्ट ज्योग्राफी है उसको नहीं पढ़ना है तो और भी कम हो जाता है चैप्टर। तो देखिए क्या क्या है इसके कंटेंट को पहले एक बार देखते हैं। पहला कंटेंट आपका ग्रीक, इनका कंट्रीब्यूशन, सेकंड रोमन का कंट्रीब्यूशन, ठीक, फिर आपका एंशिएंट इंडियन एंड चाइनीज का कंट्रीब्यूशन, अरब ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन और एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। कि यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़िए इसको और हल्का सा छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, इसको कंप्लीट हो जाएगा। जो 2013 के बाद जो नया सिलेबस है उसमें अभी तक पूछा नहीं गया इससे क्वेश्चन, और पहले भी 1997-1980 तक जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है वो उतना ही तक है, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। और क्वेश्चन भी आता भी तो बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में नहीं होता है, ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें, तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं उसको। फिर सेकेंड पार्ट है, यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट हमारा, क्या क्या है इसमें, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थाउट एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और ये डार्विन। इसी तरह से आपका स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फिर फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पे, फिर आ गया आपका ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फिर आपका आ गया सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यहाँ तक, ठीक। अब देखिए इसमें उसके बाद आ गया आपका डायक्टोमी बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म, फिर आपका आ गया डुअलिज्म एंड डायक्टोमीज इन ज्योग्राफी,
इसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत सारा चीज़ है, बहुत अलग से टॉपिक सब दिया हुआ है। फिर ये छोड़ देना है, जब टॉपिक नंबर 11 इसको नहीं पढ़ना है, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर ये पार्ट इसको पढ़ना है, 12 मतलब पढ़ना किसी इसको एक्चुअली में, तो चैप्टर 6 7, फिर आपका 8 9, 6 7 8 9 10 एंड 12। ठीक, अब देखिए ये जो था इसमें एरियल डिफ्रेंसिएशन टॉपिक, ये एरियल डिफ्रेंसिएशन कहाँ मिल जाएगा, चैप्टर 10 में मिल जाएगा आपको, ये चैप्टर 10। और इसका एरियल डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ पे, ये है रीजनल सिंथेसिस। ये आपको एक्चुअली में रीजनल सिंथेसिस नाम से तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस इसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लगभग समझ में आ ही जाएगा वही चीज़ है। फिर आपका डायटोमियन डुअलिज्म टॉपिक नंबर, चैप्टर नंबर ये 9, डुअलिज्म एंड डायटोमिज्म इन ज्योग्राफी। फिर इन्वायरमेंटलिज्म डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं, वो आपका 8 में। फिर आपका आ गया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लोकेशन एनालिसिस, ये है आपका इसी चैप्टर नंबर 10 में ही। फिर रेडिकल बिहेवियर ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, वो आपका आ गया चैप्टर नंबर 12। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। ये है सेकंड बुक ह्यूमन ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन सर। अब देखिए इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, तो देखिए सिलेबस है इसमें टॉपिक नंबर 7 इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये दोनों टॉपिक इसमें कवर है। और साथ में जो ये तीन टॉपिक छूट गया था कौन कौन सा, तो 7 लैंग्वेज रिलीजन एंड सेकुलराइजेशन, फिर कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीनों भी इसमें कवर है, वो भी अच्छे से कवर है। ये बुक काफ़ी मोटा है मगर पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत इजी वे में कंसेप्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। और समझ देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से आपका पहला है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर अप्रोच, वही आपका पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इस टॉपिक को इससे नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थाउट था, ये बुक इससे कवर कर लेना है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा देखिए इवोल्यूशन एंड रेसेस ऑफ मैन सेकेंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक अपना पॉपुलेशन माइग्रेशन, ये कल्चरल लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड कस्टम, ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एग्रीकल्चर रूरल सिस्टम सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट, फिर मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय मैन, एंड 13 है आपका द फर्स्ट पीपल। इसमें आपका जो भी ट्राइब्स है उस सब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक में। अब देखिए ये जो बच गया था तीन टॉपिक लैंग्वेज रिलीजन एंड सेकुलराइजेशन, तो ये आपका टॉपिक नंबर 5। ठीक, देख रहे हैं कल्चर लैंग्वेज रिलीजन कस्टम इसमें आपका कवर है, फिर दोनों मतलब 7 और 8 दोनों ही इसमें कवर है। फिर अपना आ गया HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो आपका कवर है यहाँ पे 7 में, टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 7 मतलब 5 एंड 7 में ये दोनों कवर है, ये तीनों। फिर अपना आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या सब आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्सेस एग्रीकल्चर फूड्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इसमें क्या क्या सब देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम एक हो गया टॉपिक 8, फिर है 11, ये दो टॉपिक इस दो टॉपिक में ही बस ये कवर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसमें आता अपना पॉपुलेशन माइग्रेशन सेटलमेंट चाहे वो रूरल हो या अर्बन। ठीक, इसको कहाँ से कवर करें, तो इसको कवर करने के लिए पहला तो है यहाँ से स्टार्ट है टॉपिक चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन इस पार्ट को, फिर माइग्रेशन ये दोनों पार्ट, फिर 9 रूरल सेटलमेंट एंड 10 अर्बन सेटलमेंट, यहाँ तक ये चार टॉपिक है इस सेकंड पार्ट को कम्प्लीट इसको कवर करने के लिए। ठीक, थोड़ा सा अगर हो तो इसको भी देख सकते हैं इसमें शुरू शुरू में। इसके बाद अब देख रहे हैं अब दूसरा पार्ट है रीजनल प्लानिंग, ये है सेकेंड लास्ट बुक बट सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये। ये कौन कौन सा टॉपिक कवर करता है, ये कवर करता है अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी रीजनल प्लानिंग, इस दोनों के साथ साथ ही ये भी कवर हो जाता है मॉडल्स। देखिए
बुक है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, रूपा मेड सिंपल का, प्राइस है इसका 295। ठीक, काफ़ी हल्का बुक है वजन में। इसमें टॉपिक कौन कौन सा है तो देखिए, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, सेकंड टॉपिक है अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या किया हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट, फिर आपका एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बनाइजेशन, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ सिटीज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टाउन एंड सिटीज, सिटी एंड रीजन, रूरल सेटलमेंट एंड सोसाइटी, लास्ट पार्ट अपना ज्योग्राफी एंड प्लानिंग। ये इसमें अपना ये जो पार्ट है, जो रीजनल प्लानिंग जो बच गया था हमारा सिलेबस का, इसको कवर कर लेता है। इसमें क्या है, अर्बन प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम इसमें डिफरेंसेस बिटवीन रीजन, डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज, ठीक, और प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। ये बुक सिर्फ कंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बुक के सब टॉपिक से या टॉपिक से लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों बुक जो है वो है कवर करता है अपना ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक 10, मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। दोनों सेम ही चीज़ के लिए लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें देखते क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। देखिए, ये माजिद हुसैन सर के द्वारा है और ये है के सिद्धार्थ सर के द्वारा। प्राइस में ये 375 का है और ये 195 का है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि इस बुक में ये इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, वही आपका पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, कोई मतलब का है नहीं इस बुक में। फिर मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी, ये पार्ट पर भी कुछ है नहीं एक्सप्लेन, इसको भी पढ़ना नहीं होता। मेन पार्ट है ये, हम जिस कारण से इस बुक को खरीद लेंगे वो चीज़ इतना ही में दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 3 में देखिए सारा कुछ दिया, मालथूसियन थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ये सब सारा कुछ इतना ही में दिया हुआ है। ठीक, टॉपिक नंबर 3, इसी के लिए हम बुक लेते हैं, इसके साथ साथ हमको ये सब कुछ मिलता है, क्या क्या मिलता है। फिर चौथा है ओरिजिन ऑफ अर्बन प्लेसेस, रूरल सेटलमेंट्स, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन एंड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, थोड़ा सा इस बुक में थोड़ा सा एक ही पार्ट, ये जो पार्ट है ना ओरिजिन एंड ऑफ अर्बन प्लेसेस, इसमें दो तीन टॉपिक जैसे कि सेटेलाइट टाउन्स, ग्रीन बेल्ट्स, सेंसस डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज, ये दो तीन चीज़ है जो कि आपको जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो माजिद हुसैन सर का था उसमें नहीं दिया हुआ, तो वो बस इसमें दिया हुआ है, बस इसी कारण से थोड़ा सा ये बुक है इंपॉर्टेंट। नहीं तो एक्चुअली में लास्ट टॉपिक मॉडल्स के लिए ये बुक बेस्ट है। अब इसमें इसका थ्योरी देखते हैं, इसमें क्या क्या सब वो देखते हैं। देखिए ये 195 का है, देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक्चुअली में थ्योरी दिया हुआ है। ये पहला मेथोडोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद स्टार्ट है यहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी है ये चार, फिर आपका लोकेशन थ्योरीज है, वेबर्स थ्योरी, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी थ्योरी, वैसे भी पॉपुलेशन थ्योरी, मालथूसियन थ्योरी, पॉपुलेशन थ्योरी के अंदर ये तीनों, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। अब देखिए है तो सब, ये सारा थ्योरी जो भी है ये थ्योरी सारा कुछ इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 में दोनों ही थ्योरी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, बट डिफरेंस क्या है ना कि ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी इशूज़ के साथ इसमें दिया हुआ है। जैसे कि देखिए कोई एक टॉपिक, जैसे रोस्टोव्स थ्योरी या लिमिटेड ग्रोथ या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कुछ भी देख लीजिए 1628, पहले से हम टिक मार के रखे हुए हैं 1628। देखिए रोस्टोव्स थ्योरी, ठीक, यहाँ से स्टार्ट है का इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है, स्टेज ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो यहाँ देखिए स्टेज 4, स्टेज 5 आ गया यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ रोस्टोव्स और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ये पार्ट। और फिर अपना एक और है लास्ट में देखिए प्रेजेंट डे अप्लीकेबिलिटी। अब इसी यही चीज़ को अगर इस बुक में देखें तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे पेज टॉपिक नंबर 103, यहाँ से स्टार्ट है ये, इधर आए यहाँ, इसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, फिनिश। और यहाँ से आपका थ्योरी ऑफ मैकिंटर का स्टार्ट हो गया, हार्टलाइन थ्योरी, मतलब इतना ही है। अब इसमें देखिए कितना डिफरेंस था, इसमें प्रेजेंट एप्लीकेबिलिटी था इसका दिया हुआ, लिमिटेशंस था, ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए ये है अपना आज का लास्ट बुक बाय डॉक्टर मनीषिका मैम, इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ये क्या है क्या नहीं है। ये हम परचेज किए थे कहाँ से, ये माइंड स्पायर्ड सॉल्यूशन, हाँ स्पायर्ड सॉल्यूशन.com से।
इन मैम का ना एक यूट्यूब चैनल है examrace.com, और ज्योग्राफी या बहुत सारे अलग टॉपिक के लिए मैम बहुत सारे पढ़ाती हैं, वहाँ पे आप इनको चेक करके देख लीजिएगा वहाँ पे। देखिए इस बुक में क्या है ना, इस बुक का एक खासियत है, खासियत क्या है कि UPSC के परस्पेक्टिव से लिखा हुआ बुक है, तो इसलिए ना ये हर एक टॉपिक को कवर कर लेता है। देखिए जैसे यहाँ से परस्पेक्टिव एंड थाट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें सारा कुछ दिया हुआ, डायक्टोमिक डुअलिज्म, पैराडिज्म शिफ्ट, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, रीजनल सिंथेसिस, एरियल डिफ्रेंसिएशन, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ह्यूमन अप्रोच, एंशिएंट ज्योग्राफी, मिडावल ज्योग्राफी, पोस्ट वर्ल्ड वार टू, सेकंड पीरियड का जो है सब, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, आपको इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसमें आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके अंदर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मॉडल्स है वो मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे वन थ्योरम्स मॉडल्स, फिर इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो भी थ्योरी वो मिल जाएगा आपको, फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ये कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, हाँ रीजनल प्लानिंग, ये अकेला बुक है जिसमें एक साथ रीजनल प्लानिंग दिया हुआ है। और इस बुक के अलावा इस बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, बट इसमें एक्चुअली में रीजनल प्लानिंग का कंप्लीट चीज़ दिया हुआ है। देखिए ये बुक है तो बहुत बढ़िया, इस बुक को आप ऐसा कि आप एक जगह एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा हर एक चीज़, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना किसी टॉपिक को, अभी तक उससे कभी फैमिलियर नहीं है, उसके बारे में जाने नहीं है, बिल्कुल ही न्यू है, न्यू कमर है ज्योग्राफी में, उसको स्टार्ट करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझना, बट ऐसे बहुत ही अच्छा बुक है, ये हर चीज़ कवर कर लेता है, तो रेफरेंस के लिए या कोई टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा है उसको देखने के लिए इसमें अच्छा जो है, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। और ये जो बुक था ये तो सबसे सबसे ज़रूरी बुक है, पहले भी बोले हैं अभी भी बोल रहे हैं कि अपने सेकेंड पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए इस बुक को बिल्कुल ही खरीदिए, अपने पास रखिए, ठीक है। अब एक चीज़ और बच गया, वो है अपना ऑनलाइन रिसोर्स, वो अभी देखेंगे ऑनलाइन रिसोर्स कहाँ से करें। बुक के अलावा एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ से हम अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल या कोई हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो वो अपना कवर कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे आइए, यहाँ पर टाइप करिए EPG, जो सबसे पाठशाला, ये जो सबसे पहला लिंक आता है आपका EPG पाठशाला, https EPGP, इस पर क्लिक करिए, ये खुल गया। देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ वेबसाइट है, इस पे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका ना टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज चैप्टर्स, उसका नोट्स दिया हुआ है, वो भी टीचर के द्वारा बनाया हुआ। देखिए सबसे पहले नीचे गए, नीचे में आइए यहाँ पे, ठीक, ये मोबाइल पे भी खुल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस पर खोजिए अपना जो भी अपना सब्जेक्ट है, उस टॉप सब्जेक्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट खोज लीजिए। तो ज्योग्राफी जैसे कि ज्योग्राफी, जियोलॉजी, यहाँ देखिए क्लिक के ज्योग्राफी पे, अब यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करना और ये मॉड्यूल, तो पहले पेपर सेलेक्ट करना है, क्लिक किए, कौन सा इसमें को क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक, रिसोर्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थाउट, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ नेचुरल हजार, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्स। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे कि आज हम लोग देख रहे थे ये जो पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थाउट पे क्लिक करेंगे, पहले क्लिक किया 36, मतलब 36 टॉपिक, सब टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद हम मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ठीक, मॉड्यूल पे देखिए ज्योग्राफिकल थाट के अंदर हम क्या कैसा दिया हुआ है, ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, इसी तरह से ग्रीक का, अरब का, ऐसी सब कुछ दिया हुआ है। फिर आ गया डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी, पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी, मिथ्स एंड रियलिटी अबाउट डुअलिज्म, रीजनल कंसेप्ट इन रीजनल ज्योग्राफी, सैफर हास्टन डिबेट, एक्सट्रेचरलिज्म इन ज्योग्राफी, इसी तरह से देखिए। तो जैसे मान लीजिए कोई एक ये पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी, इसको क्लिक किया, ठीक, अब पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर PDF आ गया नीचे, ये पूरा PDF है, देखिए यहाँ से स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइज ऑफ पॉसिबिलिज्म, फिर अच्छे से दिया हुआ आपको कंप्लीट, यहाँ से क्रिटिसिज्म, इसका क्या क्रिटिसिज्म था, फिर आ गया आपका रेफरेंस, ये कंप्लीट आपका कवर।
आपको उसको डाउनलोड करना है तो क्लिक करिए यहाँ पे, डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट PDF है EPG पाठशाला पे, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।